मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। सपा जहां मैनपुरी से तेज प्रताप को लड़ाने का प्लान कर रही है, वहीं भाजपा भी सपा के गढ़ में एसपी के सामने मुलायम परिवार के सदस्य को ही उतार सकती है। जी हां, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मैनपुरी से चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी अपर्णा के नाम पर चर्चा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अपर्णा यादव को लेकर भाजपा में मंथन चल रहा है। भाजपा के चौड़क चाहते हैं कि मैनपुरी से अपर्णा चुनाव लड़ें। अपर्णा यादव ने हालांकि अभी हामी नहीं भरी है। उन्होंने कहा है कि नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लेने के लिए वक्त चाहिए। अपर्णा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। मैनपुरी में आपको बड़ा झटका मिला है, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। कोई जल्दी नहीं है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैनपुरी के गणित के कारण लंबे समय से ये सीट सपा के कब्जे में रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। आज तक मैनपुरी सीट पर बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। हाँ, ये बात भी सही है कि बीजेपी ने जीत का अंतर कम करने में जरूर कामयाबी हासिल की है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद मुलायम सिंह यादव करीब 95,000 वोट से ही जीत पाए थे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। प्रखर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा से, प्रसपा का पक्ष रखेंगे, वो जुड़ रहे हैं। विजय दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। पवन सेंगर हमारे साथ लखनऊ से, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पवन सेंगर के पास चलेंगे। पवन, देखिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और नया नाम जो आया है उससे हलचल तेज हो गई है मैनपुरी के लिए। क्या अपर्णा यादव वहां से चुनाव लड़ेंगी क्या? ऐसी क्या क्या खबर क्या है ये जरा बताइए। अनुज, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि यादव परिवार में मतभेद के साथ मनभेद बिल्कुल साफ है। चाहे वो शिवपाल सिंह यादव की बात कर लीजिए, अपर्णा यादव की बात कर लीजिए, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो नेताजी के निधन से वो सीट खाली हुई है। उस चुनाव के मायने बहुत है क्योंकि उसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को अगर लड़ाने में सक्षम होती है और अपर्णा यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, अगर वो लड़ जाती हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के जो पति हैं, वो भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। तेज प्रताप यादव जिनका जिक्र किया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव के संगठन को, मुलायम सिंह यादव के चुनाव को वहां पे वो मैनेज करते रहे हैं, चुनाव वहां पे लड़ाते रहे हैं और वहां के एक तरीके से लोकप्रिय नेता के तौर पे आम जनता के बीच में है। अपर्णा यादव के लिए राह वहां पे आसान नहीं होगी। शिवपाल सिंह यादव के लिए भी वहां पे राह इसलिए नहीं आसान होगी क्योंकि संगठन और तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो मुलायम सिंह यादव को लेकर के, क्योंकि निधन हुआ है, सिंपैथी जो वोट बैंक है वो सीधे मुलायम सिंह यादव के पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी, यानी उनके तरफ से, यानी अखिलेश यादव जिसको प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयान निकल करके आ रहे हैं, खबरें निकल करके आ रही है अनुज, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मैनपुरी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव ही क्यों ना हो, उसका मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा है। और शायद यही है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर वहां नहीं छोड़ना चाह रही है। हाँ। और अपर्णा यादव अगर मैदान में वो लड़ाने ठीक में कामयाब हो जाती है। पवन, रहिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।